नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं, पूजा सचदेवा। दरअसल आज खुशखबरी है, खुशखबरी पूरे हिंदुस्तान के लिए। LAC पर भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। पिछले करीब 9 महीने से भारत और चीन के बीच गतिरोध की स्थिति पर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। भारत की दृढ़ शक्ति के सामने चीन को झुकना पड़ा। भारत ने जो चाहा वो हासिल किया है। ये न्यू इंडिया है जिसने झुका दिया चीन को। दरअसल समझौते की स्थिति बन गई है और वो भी भारत की शर्तों पर। आज सवाल आपका में इसी पर हम करेंगे चर्चा। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख इलाके में मार्च अप्रैल 2020 में विवाद शुरू हुआ था। तब पूर्वी लद्दाख के इलाके में चीन सैनिकों ने घुसपैठ की थी और तय LAC पार की थी। चीन ने उस वक्त इस इलाके से पीछे हटने से मना कर दिया था। उसके बाद से ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर सैन्य गतिरोध जारी था। जून 2020 में भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान गलवान घाटी में शहीद हुए थे और इसी बीच दोनों देशों के बीच 9 दौर की बातचीत भी हुई थी, वार्ता भी हुई थी। लेकिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बातचीत के लिए हमारी रणनीति पूरी तरह से स्पष्ट है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी निर्देश है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। पूर्वी लद्दाख इलाके में पेंगोंग लेक के पास की स्थिति पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और चीन ने पेंगोंग लेक के साउथ और नॉर्थ इलाके में पीछे हटने का फैसला कर लिया है। इसके अनुसार फॉरवर्ड इलाकों में दोनों देशों ने जो सेनाओं की तैनाती वहां पर कर रखी है उसे चरणबद्ध तरीके से पीछे हटाया जाएगा। एक बार आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट जाएं। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। खबरें आती रहती हैं कि चीन सीमा पर निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि 2020 में दक्षिण किनारे पर किए गए सभी तरह के निर्माणों को हटा दिया जाएगा और इसके बाद पुरानी स्थिति दोबारा से बहाल की जाएगी। लेकिन जैसा कि हर मुद्दे पर आपने देखा राजनीति होती है, इस मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया। वो ट्वीट आपको दिखाते हैं जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि LAC पर शांति नहीं है। राहुल गांधी का यह भी कहना है कि हम अपनी जमीन गंवा रहे हैं, सरकार हमारे जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है। राहुल गांधी का यह ट्वीट अंग्रेजी में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है कि हम अपनी जमीन गंवा रहे हैं। एक तरफ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में आश्वस्त कर रहे हैं कि हमने बातचीत में कुछ नहीं खोया, हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं देंगे, लेकिन राहुल गांधी को इस पर भरोसा नहीं है। अब ऐसे में सवाल कई है। सवाल ये कि क्या विपक्ष को अब इसमें भी राजनीति नजर आ रही है, क्या विपक्ष की भूमिका ये होती है। सवाल ये भी कि क्या चीन पर यकीन किया जा सकता है, क्योंकि चीन पर भरोसा करना आसान नहीं है और चीन पर भरोसा करना क्या जल्दबाजी नहीं होगी। अब देखिए कुछ सवाल हैं। भारत और चीन के बीच क्या तनाव खत्म हो गया, चीन पर यकीन क्या किया जा सकता है, क्या ये जल्दबाजी नहीं होगी। राष्ट्रनीति में भी राजनीति क्यों, जब देश की संप्रभुता देश की अखंडता की बात हो तो उसमें राजनीति करना कितना सही है। कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं अपने सवाल, इसी मुद्दे से जुड़े अपनी राय आप दे सकते हैं। और उससे पहले मैं आपका परिचय कराऊं आज के मेहमानों से, लेकिन कुछ ग्राफिक्स आपको सबसे पहले दिखा देते हैं जो स्थिति बताएंगे कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस तरीके से संसद में क्या कुछ बातें कही हैं और भारत की क्या कुछ शर्तें रही हैं। बातचीत के लिए रणनीति स्पष्ट है, राजनाथ सिंह ने कह दिया बातचीत के लिए हमारी रणनीति स्पष्ट है, 1 इंच जमीन हम किसी और को लेने नहीं देंगे, ये हमारी रणनीति है। अप्रैल 2020 से पहले जो स्थिति थी उसको लागू किया जाएगा। लेक के नॉर्थ बैंक पर अस्थाई तौर पर पेट्रोलिंग रुकेगी, ये ध्यान दीजिए अस्थाई तौर पर। जब दोनों सेनाएं पूरी तरह से हट जाएंगी
फिर क्या होगा, उसके बाद फिर से दोनों देशों के बीच एक बैठक होगी। उसके बाद 48 घंटे के अंदर दोनों देशों के बीच बैठक होगी। पेंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ हिस्से से सेना हटेगी। चीन अपनी सेना को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व में रखेगा और भारत अपनी सेना पेंगोंग लेक में फिंगर 3 पर रखेगा। ये बातें रहेंगी और भारत की 3 शर्तें ये भी हैं कि दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए। दोनों पक्षों को मानना होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को। कोई भी पक्ष यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश ना करे, ना चीन ना भारत। ये भारत की शर्तें, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। इन शर्तों के साथ समझौता हुआ है। दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। बीजेपी के नेता अनिल गोयल, विदेशी मामलों के जानकार हैं मेजर जनरल डॉक्टर रंजीत सिंह, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर रंजीत सिंह, आज मुझे लगता है सब खुशी मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्योंकि 9-10 महीने से जिस तरीके का गतिरोध सीमा पर चल रहा था, अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो तनाव की स्थिति खत्म हो जाएगी। लेकिन आप क्या कहेंगे इस पर, क्या आपको नहीं लगता कि चीन पर भरोसा करना अभी से थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है? जय हिंद सर। बहुत ये पहले पता था हमें कि भारत के समक्ष चाइना नहीं टिक पाएगा, चाहे वो 6 महीने की बात है या 10 महीने पहले जो हमने दालवान में ये इंसिडेंट किया और उसको मुंह की खानी पड़ी। हमारे एक पंजाब में एक जवान ने 10 चाइनीज को मारा है, तो चाइना बताता नहीं है। तो आज हमारी जो फोर्स का मराल है, हमारे पास जो इक्विपमेंट है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, एयरफोर्स के पास रफाल, अपाचे, शिनुक, रोमियो और हमारे नेवी की पूरी तैयारी है। फिर क्वाड में हमारी इमेज है, क्वाड्रिलेटरल जो मीटिंग हुई जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, मालाबार एक्सरसाइज जो हुई, नेवी की सबसे बड़ी एक्सरसाइज हुई है। तो चाइना को पूरा पता है, चाइना को पीछे हटना था, लेकिन चाइना को कभी विश्वास नहीं कर सकता। और ये चाइना को पूरा पता है कि भारत 62 वाला भारत नहीं है। और वो भी पूजा जी मैं बता देता हूँ, 62 में पॉलिटिकल डिफीट थी, जवानों की डिफीट नहीं थी। मेजर शैतान सिंह ने 112 जवानों के साथ चाइना के तकरीबन 1200 जवानों का वध किया था, 1200 चाइनीज जवान मारे गए थे, लेकिन हमारे केवल 112 जवान शहीद हुए थे मेजर शैतान सिंह के साथ। तो इसलिए ये खबर हमें पहले पता था, चाइना पीछे हटेगा और आगे भी हटेगा, लेकिन उसको विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारी सेनाएं तैयार है, आर्मी नेवी एयरफोर्स तैयार पहले भी थी। डॉक्टर रंजीत जी, आपसे समझना चाह रहे थे डॉक्टर रंजीत जी कि चीन का ऐसा इतिहास रहा है पीठ में चूरा भोंकने का, ये इतिहास रहा है चीन का, तो ऐसे में हम चीन पर भरोसा करें या ना करें, ये सबके मन में सवाल है, क्योंकि इतनी आसानी से तो चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल पूजा जी, चाइना को कभी भी विश्वास नहीं कर सकता भारत। चाइना विश्वास के पात्र है ही नहीं। चाइना के 14 कंट्री की बाउंड्री लगती है, किसी एक के साथ भी चाइना के अच्छे रिलेशंस नहीं है। कभी वो साउथ चाइना सी में जाता है, कभी सेनकाकू आइलैंड, कभी पारासेल, कभी स्प्राटले आइलैंड, अभी वो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान की ले लेगा, इससे पहले हम्बन टोटा श्रीलंका की पोर्ट ले ली उसने, जिबूटी पोर्ट ले लिया। तो इस करके चाइना एक विस्तारवादी कंट्री है, इसको केवल भारत रोक सकता है क्वाड के साथ। यानी हमें तैयारी पूरी रखनी होगी, अलर्ट हमें रहना ही पड़ेगा। मैं लौटती हूँ आपके पास, दर्शक जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनके सवाल ले लेते हैं। रोहतक से रणवीर जी, स्वागत है सर। पूजा जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं आपके माध्यम से पहले तो हमारे गनू साहब को सैल्यूट करता हूँ, मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। जो आप ये बहुत खुशी की बात है कि दोनों देशों का तनाव कम हो रहा है, लेकिन चाइना पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना हमेशा गुरिल्ला युद्ध करने वाले हैं, हमने चाइना बॉर्डर पे भी नौकरी की है, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी नौकरी की है, लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आता कि हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच का छीना बोलते हैं, और जनरल साहब भी जानते हैं जितने 71 की लड़ाई में भी हमारे जवान शहीद नहीं हुए थे, उससे ज्यादा तो आज पाकिस्तान के बॉर्डर पे 6 साल में शहीद हो चुके हैं। ऐसी क्या हिम्मत होगी दोनों देशों की, कभी पाकिस्तान फायर करता है, कभी घुस के अंदर आ जाता है। हम बॉर्डर पे तो कभी 2 महीने में 4 महीने 2000 गोलियां चल गई, आधा घंटा मुश्किल से फायर होता था, सफेद झंडे निकाल देता पाकिस्तानी सिटेंट।
आज ऐसी क्या बात होगी, हमारा इतना झूला झुलाते हैं प्रधानमंत्री और फिर भी उनकी इतनी हिम्मत हो रही है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। एक और दर्शक है कैथल से, जयप्रकाश। जयप्रकाश जी स्वागत है आपका। श्रीमान जी, इंदिरा गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री है उसका हम धन्यवाद करते हैं। हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं सर, पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ जी, श्रीमान जी इंदिरा गांधी हमारे प्रधानमंत्री जी उसकी जिन फते जो ये राहुल गांधी जो रहे हैं बिकाऊ चीन का वो रहते चंद्रा, अरे भाजपा वालों पर तो सर आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल रही है, एक बार दोबारा से जुड़ने की कोशिश कीजिए हमारे साथ। अनिल जी, अभी डॉक्टर रंजीत जी भी कह रहे हैं कि चाइना पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है और जल्दबाजी होगी चाइना पर भरोसा करना, और इतिहास बताता है हमें नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी भरोसा। सरकार की क्या रणनीति रहेगी? वैसे तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सब चीजें क्लियर की हैं, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष को फिलहाल इसमें राजनीति करनी है और नजर आ रहा है राहुल गांधी के ट्वीट के जरिए। वो सवाल भी मैं आपसे करूंगी, हालांकि कांग्रेस के कोई नेता हमारे साथ आज नहीं जुड़ पाए हैं, सवाल उनसे बनता था, लेकिन फिलहाल सरकार की क्या रणनीति रहेगी आगे? पूजा जी, सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि वो निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारी सेना बॉर्डर पर डटी हुई है और वो मोर्चा जीत रही है, तो हम समझौते की टेबल पर भी पीछे नहीं हटेंगे, हम समझौते की टेबल पर भी चीन को हराएंगे। हमारी नीति स्पष्ट है कि हम एक इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे। इससे पहली सरकारों के जमीन में नहीं, कांग्रेस की सरकार में चीन ने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा करा हुआ है, लेकिन आज ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है और मैं इसको 135 करोड़ की जनता की जीत मानता हूँ, अपनी सेना की जीत है, हमारी 135 करोड़ जनता की जीत है कि चीन पीछे हट रहा है और चीन को पीछे हटना पड़ा और दो तीन जवान चीन को हमें पीछे हटाया है। ये सब हमारी सेना का ताकत है, सेना का कुशल नेतृत्व है, लेकिन सेना के साथ साथ में अनिल जी आपको याद होगा, आपको याद होगा प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात कही गई थी कि हमारी सीमाओं में कोई नहीं घुसा। आज अगर इस बात का जिक्र हो रहा है कि पीछे तो हटना पड़ेगा, या तो ये बात सच्ची है कि वो पीछे हट रहे हैं, या फिर उस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था कि हमारी सीमाओं के अंदर किसी ने कोई प्रवेश नहीं किया, क्या माना जाए? पूजा जी, जो एक जगह थी जिस पर दोनों की कंबाइंड पेट्रोलिंग होती थी, उस कंबाइंड पेट्रोलिंग के कुछ उन्होंने जो अपनी सीमाओं से आगे बढ़े हैं, जो एक समझौते का उल्लंघन करा, अगर वो एक जगह वो आगे बढ़े तो हम दो जगह आगे बढ़े, और हमारा जिस अभी तक हम समझौता करने की स्थिति में थे हाथ जोड़ करके, अब बराबर की टक्कर पर बैठ के समझौता करा है, जहां हमारी फौज ने बॉर्डर पर अपने मजबूती से खड़े रही, वहीं हमारी सरकार टेबल पर बात के अंदर मजबूत से खड़ी रही है, और उन्होंने जिस तरीके से हमारे सैनिकों ने बॉर्डर से चीन को पीछे करा है, इसी तरह समझौते की टेबल पर भारत ने चीन को पीछे करा है, और अभी तक हमारी सेना हमेशा जीतती थी लेकिन हम टेबल पर हारते थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि हम टेबल पर भी जीते हैं और बॉर्डर पर भी जीते हैं। ठीक है, और आपके पास वापस आती हूँ, एक दर्शक है कैथल से, जयप्रकाश जी एक बार फिर से जुड़ गए। जयप्रकाश जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी पूछिए अपना सवाल। जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे थी, बहुत अच्छी थी, जो ये राहुल गांधी आया है चीन से ये है नकली, एक है तो नारा हम दो हमारे दो, ये तो अकेला है, इसके दो कहाँ से अभी? सर आपकी अपनी राय हो सकती है कुछ मसलों पर, क्योंकि हम जनता के राय का स्वागत करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आज भारत चीन का मसला क्योंकि चल रहा है यहाँ पर, इसी पर हम इसको सीमित रखेंगे, पर्सनल हम किसी को यहाँ पर टारगेट नहीं करने के लिए बैठे हैं। डॉक्टर रंजीत सिंह जी आपको क्या लगता है, जिस तरीके से हमने आर्थिक रूप से भी एक झटका दिया चीन को, कितने ऐप्स बंद कर दिए गए, क्या आपको लग रहा है इसका भी कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है क्या चीन पर? जी बिल्कुल ठीक किया, हमने उनके 200 से ज्यादा ऐप्स बंद किए, चाइना से जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट थे सारे कैंसिल किए, एक आसियान के पार्टनर्स हैं RCEP जिसमें 6 कंट्रीज हैं, इसमें कोरिया, जापान, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, इंडिया अकेला देश है 16 कंट्रीज में, हमने वो एग्रीमेंट साइन नहीं किया और इंडिया विड्रॉ कर गया। इस बार होली पे चाइना को कम से कम 40,000 करोड़ रुपीज का नुकसान है, क्योंकि इंडियंस ने
बी इंडियन बाय इंडियन, चाइनीज गुड्स का बाय कट किया और हमारे इंडियन के जो लोग हैं उनको बड़ी इनकम हुई इस दौरान। और हिंदुस्तान की इस ताकत का असर क्या चीन पर पड़ रहा है? बिल्कुल जी, उसकी इकोनॉमी में पड़ रहा है और हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। अभी तो वर्ल्ड ने माना है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, और मोर देन 100 डिफेंस के आइटम्स पूजा जी इंडिया के अंदर बनने शुरू हो गए हैं या होने शुरू हो जाएंगे जल्दी। आपके पास वापस आती हूँ रंजीत जी, आपके पास वापस आऊंगी, और भी सवाल रहेंगे। दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं क्योंकि इस मसले पर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक आज खुशी भी जाहिर करना चाहता होगा, अपने कुछ सवाल भी होंगे उनके मन में, मंच जनता के लिए है। तो अगले कॉलर के पास चलेंगे, करीम खान है एमपी से। करीम खान जी, स्वागत है आपका। मैं कहना चाह रहा हूँ लाल बहादुर जी, मैं कहना चाह रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री छोटे कद के जरूर थे लेकिन बड़ा इरादा था, बड़ी हिम्मत थी। आज के नेताओं में उतनी हिम्मत नहीं है। 40 करोड़ जब हम उस वक्त थे, उस वक्त हमने पाकिस्तान से भी लड़ा है, चीन से भी लड़ा है और मुंह की नहीं खाए। सवाल ये उठ रहा है कि आज 140 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी, हमारे देश का हर नागरिक देश पे कुर्बान होने के लिए तैयार है। इनको किसी मामले में समझौते टेबल पे झुकना नहीं चाहिए, अपनी बात पर प्रमुखता से रखना चाहिए क्योंकि इनके दिल में इरादा मजबूत होना चाहिए। खान जी, यही तो आज संसद में जिक्र कर रहे थे रक्षा मंत्री कि हम नहीं झुकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय साझा की। एक और दर्शक है अभय रोहतक से। अभय जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते बहन जी। हाँ जी नमस्कार बहन जी। देखिए, भारत की जो सेना है पूरे विश्व में उसका मुकाबला नहीं है और हमें उस पर गर्व है। और साथ ही जो हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, अनुभवी हैं और साथ ही एक मजबूत व्यक्तित्व के हैं। और सबसे बड़ी बात भारत के लिए कि जो रक्षा सलाहकार है श्री अजीत डोभाल जी, उनको तो मैं ईश्वरीय देन मानता हूँ भारत के लिए। तो जो ये चीन के साथ जो शक्ति दिखा रहा है भारत, हमें हृदय से गदगद एक खुशी होती है। और जो गृह मंत्री जी ने बयान दिया कि 1 इंच भी जमीन अपनी नहीं देंगे, वो स्वागत के योग्य है। और विपक्ष से भी हम कहना चाहते हैं कि हर मुद्दे पर ऐसे आक्षेप पर वो ना करे, इसी कारण से विपक्ष अपनी जमीन भारत से खो रहा है। जनता भी चाहती है मजबूत विपक्ष होता कि लोकतंत्र की और उसकी रक्षा हो, लेकिन हर मुद्दे पे जैसे विपक्ष एक सवाल उठाता है। ठीक है, उसको बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय साझा की। सवाल मेरे रहेंगे अनिल जी से भी। एक और दर्शक है रामकुमार एमपी से। रामकुमार जी, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार सर, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। जी सर, फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, आपके टीवी का वॉल्यूम ज्यादा हाई है तो हम समझ नहीं पाएंगे आपकी बात, लेट पहुंचेगी आपकी आवाज। फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिए सर एक बार, आपका बहुत शुक्रिया। अनिल जी, हालांकि अभी एक कॉलर जुड़े थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि विपक्ष की जो भूमिका होती है, कम से कम ऐसे मसलों पर तो एकजुट हो जाना चाहिए सभी दलों को। राहुल गांधी कह रहे हैं, ट्वीट किया उन्होंने आज, कहा उन्होंने कि भारत अपनी जमीन खो रहा है, एलएसी पर शांति नहीं है। संसद में रक्षा मंत्री कहते हैं कि हम अपनी 1 इंच जमीन किसी को नहीं देंगे। हालांकि सवाल ये कांग्रेस के नेता से बनता है मेरा, लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ये जो चीन की कह रहे कि चीन जमीन कब्जा, हमारी कब्जा हो रहा है, वो कांग्रेस के राज में चीन ने कब्जा करा है और वो आज भी चीन उस पर कब्जा करे बैठा है निश्चित तौर पर। और कांग्रेस की पॉलिसी क्या थी कि बॉर्डर पर डेवलपमेंट ना करी जाए। अब ये जो चीन जो पीछे हटा है उसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है कि हमने बॉर्डर पर डेवलपमेंट करी है, हमने सेना को राहत सामग्री पहुंचाने के सारे साधन उपलब्ध कराए हैं, हम सेना के पीछे बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, सेना को कहीं भी पीठ दिखाने का मौका नहीं दिया। और मैंने सबसे पहले एक बात कही है कि आज की जो जीत है वो हमारी सेना की जीत है, हमारी 130 करोड़ जनता की जीत है, हमारे कुशल नेतृत्व की जीत है। जो उनकी कूटनीति, एक तरफ सेना बॉर्डर पर लड़ी है, एक तरफ हमारे हमारा नेतृत्व कूटनीति स्तर पर पूरे विश्व में चीन को नंगा करा है और उस पर पाबंदियां लगा करके, वो आर्थिक पाबंदियां लगा करके अपनी मजबूती का स्पष्ट दिया है कि हम किसी भी दिशा में पीछे नहीं हटने वाले हैं। और जब चीन को लगा कि भारत पीछे नहीं हटने वाला है,
इसने मजबूर होकर चीन को पीछे हटना पड़ा। ठीक है, चीन को चाहे गलवान की घाटी हो या उससे पहले जब भी युद्ध, वापस आती हूँ आपके पास, और भी सवाल रहेंगे। रामकुमार जी एक बार फिर से जुड़ गए। रामकुमार जी स्वागत है आपका, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी मैडम, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है और हमारी फौज की जीत है। जी सर, आपसे पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, आवाज बहुत लेट मिलती है, दर्शकों का कार्यक्रम है और कॉल बार बार आते रहते हैं, सब लोग वेट कर रहे होते हैं अपनी अपनी बारी का। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, आप हमारे साथ जुड़े। अशोक है फैजाबाद से, अशोक जी स्वागत है। जी मैडम, थैंक यू, बड़ा अच्छा चैनल है आपका। बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा चैनल है आपका, बहुत दिल खुश हो जाता है। सर अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए, मेरी सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, आप जब भी हमारे साथ जुड़े अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया कीजिए। सर शुक्रिया आपका, फिर से जुड़ी है हमारे साथ। डॉक्टर रंजीत, आप इस पर क्या कहेंगे, क्या एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका ये होती है? हालांकि सवाल करने का हक तो लोकतंत्र में सबको है, विपक्ष भी अपने सवाल पूछ सकता है, लेकिन अगर संसद में रक्षा मंत्री कहते हैं कि हम अपनी एक इंच जमीन नहीं देंगे, तो क्यों राहुल गांधी को उन पर भरोसा नहीं होता? क्या ये एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए? पूजा जी, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी पॉलिटिकल पार्टी से कि देश के कोई भी स्टेटमेंट, खासकर जब एनिमी नंबर वन चाइना, नंबर टू पाकिस्तान, इनके बारे में अगर रक्षा मंत्री ने कोई स्टेटमेंट दी है या प्राइम मिनिस्टर दी है, उस पर विश्वास करना चाहिए और कोई भी हमने इमेच्योर स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा पूजा जी, आज चाइना पीछे क्यों भागा, आपको पता होना चाहिए, DSDBO दुर्भुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, 250 किलोमीटर रोड, 24 hours 365 days, वहां जाकर के ग्लोब मास्टर हैवीएस्ट एयरक्राफ्ट वर्ल्ड का है वो लैंड कराया चाइना बॉर्डर पे, 44 ब्रिजेस का भी इनॉग्रेशन हुआ है, 90 रोड और ब्रिजेस बन रहे हैं ऑल अलोंग दी इंडो चाइना बॉर्डर। इनसे चाइना खफा है, इनसे चाइना डरा हुआ है। जहां पर आज हमारी MMG लगी थी, आज वहां इंडिया के टैंक हैं, हमारे पास सीनोक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, रोमियो हेलीकॉप्टर, रफाल, तेजस, इस प्रकार की हमारे पास एयरफोर्स है। आर्मी का तो पहले से ही पूरी वर्ल्ड को पता है कि इतनी तगड़ी आर्मी नहीं है। जो डेवलपमेंट बॉर्डर पे चल रहा है, इससे चाइना काफी चिंतित है, इससे चाइना पूरा डरा हुआ है। चाइना में पंचायत है, चाइना का जो जवान है वो 3 साल के लिए नौकरी करने आता है, हमारा जवान रफ एंड टफ है, मोटिवेटेड है, देश के लिए लड़ता है। तो इसलिए पूजा जी, चाइना इसलिए डर के पीछे भागा है, लेकिन चाइना पर विश्वास नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अनिल जी, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की परिस्थितियां अभी फिलहाल हैं, आज जैसे तनाव लग रहा है कि थोड़ा कम अब हो जाएगा आने वाले समय में, लेकिन जो समझौता हुआ है, क्या आपको लगता है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं चीन पर एक वैश्विक तरफ वैश्विक प्रेशर भी है, और इसको इस तरीके से क्या देखा जाए कि चीन की जो इमेज है पूरे ग्लोबल लेवल पर, क्या चीन को इसको लेकर भी चिंता रहेगी? पूजा जी, मैं आपको दो बात कहना चाहता हूँ। एक तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं विश्वास नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ राहुल गांधी जी का विश्वास किस पर है? वो विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर नहीं कर रहे, वो विश्वास सरकार पर नहीं कर रहे, वो विश्वास चुनाव आयोग पर नहीं कर रहे, वो विश्वास अपनी सेना पर नहीं कर रहे, वो अपने विश्वास पुलिस पर नहीं कर रहे, उनका विश्वास किस पर है? उनका किसी पर भी विश्वास नहीं है, इसलिए उनके विश्वास होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। और निश्चित तौर पर ये जो जीत है वो हमारी कूटनीतिक की वजह से जीते है, जहां बॉर्डर पर सेना ने अपना कौशल नेतृत्व दिखाया है, हौसले दिखाया, महामारी नेतृत्व दिखाया, और चीन पर विश्वास करने का जो विषय है, निश्चित तौर पर ये सरकार फूंक फूंक करके कदम रख रही है, चीन की किसी बात पर विश्वास नहीं कर रही, वो प्रैक्टिकल कर रही है। चीन को पीछे जाना है तो चीन को पीछे जाना है, इसके अंदर कोई हम समझौता करके उनकी बात पर विश्वास करके नहीं बैठ रहे। और निश्चित तौर पर आज चीन पूरे विश्व में जो उसकी पर्दाफाश हुआ है, उसके पीछे भी भारत की कूटनीति का बहुत बड़ा हाथ है, कि भारत ने ये बताया कि ये चीन जो है किस तरीके से अपनी कूटनीति चाल चल करके और विस्तारवादी नीति पर चल रहा है। और आज तक भारत के इससे पहली सरकारें जो है
वो चीन जो है हमारी जमीन पर कब्जा करता था और हमारी सरकारें चुप रहती थी, हमारी सरकार मीडिया को कहती थी इस पर मत बोलो क्योंकि चीन नाराज हो जाएगा। ये सरकार जब से आई है, जब से चीन के सामने चीना तान के हमारी सेना खड़ी हुई है और कूटनी स्तर पर हमारी सरकार खड़ी हुई है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये जीत जो है वो 130 करोड़ जनता, 140 करोड़ जनता की जीत है। आप आज इस मंच के जरिए दर्शकों को आश्वस्त करते हैं कि चीन पर पूरी तरीके से हम लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं और हमारी सेना, हमारी सरकार पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, चीन पर किसी कीमत का विश्वास नहीं करा जाएगा और पूरी सावधानी पूर्वक एक एक कदम को उठाया जाएगा और पुख्ता कदम उठाया जाएगा। ना हमारी सेना चीन पर विश्वास करेगी, ना हमारी सरकार चीन पर विश्वास करेगी। जो चीन करके दिखाएगा और जिस तरीके से चीन पीछे हटेगा वो देख करके एक कदम फूंक कर उठेंगे। हम किसी भी कीमत पर चीन के बहकाए में नहीं आएंगे। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े इस खास चर्चा में और तमाम सवालों के जवाब दिए। तो देखिए, फिलहाल खुश होने की बात तो जरूर है क्योंकि इतने लंबे समय से जो गतिरोध चल रहा था भारत और चीन के बीच में, वो गतिरोध अब कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पर नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि हमने शुरुआत ही की थी सवाल आपका कि इसी सवाल के साथ कि क्या चीन पर इतनी जल्दी भरोसा करना जल्दबाजी नहीं होगी, इसको लेकर पूरे चर्चा में ये निकल कर आया कि चीन पर भरोसा इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता क्योंकि इतिहास बताता है चीन किस तरीके से पीठ में छुरा भोंकता है और ऐसे में चीन पर अगर हम भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गलती होगी। हम उम्मीद करते हैं कि भारत और चीन के बीच जो ये गतिरोध है ये जल्दी खत्म होगा और पॉजिटिव होकर के इसको देखते हैं। पल पल का अपडेट इस खबर पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल सवाल आपका, मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।